आप चाचा जी किनको वोट दे रहे हैं इस बार? फूल झाड़ में जो भी खड़ा होगा उसी को देंगे। मनीष कश्यप भैया खड़ा होंगे तो दीजिएगा? जरूर देंगे। सही में दीजिएगा? सही में देंगे। किनका वोट देवे? मोदी जी के। हां दीदी किनका वोट देवे? मोदी के। मोदी के कहा है? मोदी जी के। लालू जी के कहा है ना देवे? टिकट वोट फ्री नहीं ना है? नहीं नहीं टिकट फ्री कहाँ सर? सही पशु का चारा खा गया। चारा चोर, चारा चोर, इसलिए चारा चोर बोलते हैं। चारा चोर से बोलते हैं। इस बार आप किनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इस बार बिहार का कल्याण हो और श्री मनीष कश्यप जी जो है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा फैन लग रहे हैं सर, किनको इस बार वोट आप दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्या बात? मोदी जी को बहुत ज्यादा फैन मिल रहा है इस ट्रेन में, शायद टिकट फ्री कर दिए हैं, मुझे पता है। आप किनको वोट दे रहे? वही बीजेपी। बीजेपी जो है। अच्छा आप किनको वोट दे रहे? बीजेपी। बीजेपी। दादी इधर आ जाइए। दादी अहाँ केकरा वोट दे? बोल दो बोल दो। मोदी जी के। भैया आप किनको वोट दे रहे? मोदी जी। मोदी जी क्या बात है? भैया आप किनको वोट दे रहे इस बार? सेम है मोदी जी। इस बार में सब मोदी पे मन से बनाए, कहूं गड़बड़ नहीं कीजिएगा, स्टॉप करके बनाइएगा हर एक पॉइंट में। नमस्कार दोस्तों, हम चलते ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यहाँ पर मनीष कश्यप भैया के लिए सभी यात्रीगण से पूछेंगे किनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किनको वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो नेपाल के हैं भाई। नेपाल के हैं? आप किनको वोट दे रहे हैं? हम लोग बॉर्डर ऊपर गए, विदेश के। आप लोग नेपाल के हैं? चलिए, हमारे ये लोग हमारे इंडिया का ट्रेन में नेपाल के विदेश के लोग घूम रहे हैं, कहाँ तक सही आप कमेंट में बताइएगा। इधर आ जाइए। चाची किनको वोट दे रहे हैं आप लोग इस बार? मोदी जी के। मोदी जी के। यहाँ किनका वोट दे रहे? मोदी जी। मोदी जी का बहुत ज्यादा फैन है। आ जाइए इधर। भाई जी किनको आप वोट दे रहे हैं इस बार? आप इस बार किनको वोट दे रहे हैं? मोदी जी का। मोदी जी को। आप किनको वोट दे रहे हैं इस बार? मोदी जी। आप किनको दे रहे हैं सर वोट, बता दीजिए एक बार। आप किसी को नहीं दीजिएगा? चलिए किसी को वोट नहीं दे। भाई जी आप किनको वोट दे रहे हैं इस बार? सारा दुनिया जिधर रह रहा है उधर हम भी दे देंगे। फिर भी आपको होगा ना मन में, जैसे बहुत सारे एक यूट्यूबर है जो मनीष कश्यप भैया है जो कि काफी चर्चित में आ रहे, क्या इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को वोट दे रहे हैं एकदम। चलिए अगली, इनको इस बार वोट दे रहे हैं आप? ये बताइए धरती के भगवान बनेंगे कौन? धरती के भगवान बनेंगे आप जैसे लोग, लेकिन आप पहले वोट किनको दे रहे? हम लोग का मोदी जी है। मोदी जी को वोट दे रहे हैं आप भी? क्या बात है, मोदी जी के फैन बाबा भी है। चलिए आगे दिखाते हैं। इस बार आप किनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इस बार बिहार का कल्याण हो और श्री मनीष कश्यप जी जो हैं। मनीष कश्यप बहुत बड़ा फैन लग रहे हैं। हाँ, उनका जो काम है और उनका जो पब्लिक के प्रति रुझान है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए वो यूट्यूबर हो गए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों का जो करप्शन हो रहा है, जो हक मारा जा रहा है, वो उसके लिए लड़ते लड़ते जेल चले गए, जेल से वो वापस आए हैं। और हम तो ऊपर मोदी जी या बीजेपी के कार्यवाहक जो भी हैं उनसे मैं यही करूंगा कि इस बार मनीष कश्यप को मौका दिया जाए और मुख्यमंत्री की गति का। आपके कहने का मतलब है जब ये पत्रकार होते हुए भी बहुत गरीब को मदद की है, अगर सीएम बन जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को मदद करेंगे। मदद नहीं करेंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा, ये गरीबी ये सब जो होता है करप्शन खत्म हो जाएगा, यार बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, चेंज 100% 200%। चलिए इस बार किनको आप वोट दे रहे हैं? आप किसी को वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं गिराते हैं? गिराते हैं। किनको दे रहे हैं बताइए? वही है, फूल सागर। दिल खोल के बोलिए, आपका ऐसा नहीं है कि आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आप खोल के बताइए किनको दे रहे हैं? शुरू से बीजेपी है। सर किनको इस बार वोट आप दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्या बात? मोदी जी को बहुत ज्यादा फैन मिल रहा है इस ट्रेन में, शायद टिकट फ्री कर दिए हैं, मुझे पता है। आप किनको वोट दे रहे हैं? वही बीजेपी। बीजेपी बीजेपी जो है। अच्छा आप किनको वोट दे रहे? बीजेपी। बीजेपी। दादी इधर आ जाइए। दादी अहाँ केकरा वोट दे? बोल दो बोल दो। मोदी जी के। मोदी जी के। भैया आप किनको वोट दे रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी क्या बात है, भैया आप किनको वोट दे रहे हैं इस बार? सेम है। मोदी जी। इस बार में सब मोदी टिकट वोट फ्री नहीं ना? नहीं नहीं टिकट फ्री कहाँ सर, सही कोई बात है? बहुत लोग कहते हैं कि फ्री के सीएम थोड़े हैं, बहुत लोग कहते हैं चावल दाल मिल रहा है इसके लेकर वोट दे, ये कोई बात नहीं, मतलब वो काम अच्छा कर रहे हैं इसके वजह से। कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं देश को चलाने वाला। हाँ बोले, फिर से बोले सर। जो देश का विकास करेगा उसको वोट देंगे? विकास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मेरे नजर में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके नजर में क्या है, है? आपके नजर में क्या नहीं किए हैं वो? तो मेरे नजर का एक आदमी पूरा बाहर से गंदगी हटा दिया, आज तक किसान को किसी ने देखा? हर परिवार में दो आदमी तीन आदमी का नाम जुड़ा हुआ है, 6,000 रुपया किसान को दे रहे हैं, 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, NSC ला दिए, समान नागरिकता ला दिए, अब क्या चाहिए? सही बात बोले, मुझे तो विदेश नीति सबसे बड़ा है, जो विदेश नीति जो है वो मजबूत हुआ है, और क्या चाहिए? मुझे तो पहले की बात मुझे उतना नहीं पता है, क्योंकि आप लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जैसे मैं लालू के जमाने की बात बता रहा हूँ, उनके जमाने के आप होंगे, लालू जी कुछ काम नहीं किए थे, ये रोड था यहाँ, ये पुल था, ये कुछ था यहाँ। क्या बोले हैं सर, एक बार फिर से किए ना? घोटाला किए हैं। घोटाला किए? घोटाला की आपको पता ही होना चाहिए, पशु का चारा खा गया, चारा चोर, चारा चोर, इसलिए चारा चोर बोलते हैं, चारा चोर से बोलते हैं। आपको बताइए ये अच्छा लग रहा है, मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री ही बनेगा, ये अच्छा लग रहा है? किसी का खानदानी है बपौ से?
मैंने सबको मौका दिया जाना चाहिए। बिहार के गरीब भी बहुत लोग होते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए ताकि वो भी आने वाले समय में हो सकता है गरीब की आवाज उठाए। जैसे में कोई है अभी उठाने वाला आवाज, उठाने वाले तो बीजेपी में है, तो अब मनीष कश्यप आए हैं तो उठाएंगे। मनीष कश्यप आप जान रहे हैं, उसको कौन नहीं जानता है भारत में? भारत कौन नहीं जानता है? यहाँ से महाराष्ट्र का आवाज उठाया है गरीब के, उसको कौन नहीं जानता है? चलिए भाई साहब जो बताए हैं हमेशा मोदी जी के समर्थन करेंगे बीजेपी को। चलिए आगे वाला बोगी पूछते हैं। बल्ले मोदी जी, किनको वोट दे रहे हैं सभी लोग? बीजेपी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी, मोदी। फिर से बोलिए एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। अगली सरकार कौन बनेगी? मोदी सरकार। 29 तक छोड़ना नहीं है मोदी को, 29 तक मोदी जी रहेंगे? नहीं नहीं है मोदी जी। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद तो फिर शेर पर शेर महाशेर योगी सरकार, बस योगी सरकार। आगे वाली बहुत पूछते हैं किनको वोट दे रहा भाई साहब? मोदी जी, मोदी जी के पास, मोदी जी का बहुत बड़ा ज्यादा फैन है। चाचा यहाँ किनका वोट दे रहा चाहिए बोल दो, एक बार बोल दिया। मोदी के किनका वोट देवे यहाँ? मोदी जी के। हाँ दीदी किनका वोट देवे? मोदी के। क्या है मोदी जी के? लालू जी के कहा ना देवे यहाँ? मोदी जी के ही सब वोट देंगे। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब आ तो वोट नहीं है दीजिएगा, वोट दीजिएगा। चलिए आप दीदी हट जाइए। चाचा किनको वोट दे रहे इस बार? कोई कहे नहीं दीजिएगा, देंगे। क्या क्या दिक्कत है आपको? आपका नाम क्या है? मिठू जी। आपकी पत्नी का नाम मानती जी? मिठू मैं। चलिए आप काहे नहीं वोट दीजिएगा बता दीजिए। काला देंगे किसी को? सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार से मतलब नहीं, इस देश से नहीं आप? देश का है, सरकार से कोई मतलब मतलब नहीं है। सरकार कुछ गलत किए है? ना यहाँ पर जब मतलब इनको सरकार को वोट ही नहीं देना, किसी को वोट ही नहीं देना। चाचा जी किनको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी, बीजेपी। इधर आप चाचा जी किनको वोट दे रहे हैं इस बार? फूल झाड़ में जो भी खड़ा होगा उसी को देंगे। मनीष कश्यप भैया खड़ा होंगे तो दीजिएगा? जरूर देंगे। सही में दीजिएगा? सही में देंगे। आप चर्चित में चले? नहीं ऐसी बात नहीं है, वोट लेकिन दीजिएगा मनीष। हाँ उसी को देंगे मुख्यमंत्री।